हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट फॉर मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ हीरो पैशन प्लस 2024 मॉडल खरीदने के। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हीरो पैशन प्लस 2024 मॉडल खरीदने का पहला पॉजिटिव पॉइंट देखने मिलता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। यहाँ पर आपको डिज़ाइन शाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलता है, ज़्यादा बल्की मिलता है। सामने आपको बड़ा सा हेडलैम्प मिलेगा और बड़ा सा टैंक मिलता है इसके ऊपर। ऊपर से देखने पर टैंक कुछ ऐसा लगता है, अच्छा डिज़ाइन देता है राइडर को, और सीट भी अच्छी खासी लंबी है। और पीछे प्रॉपर ग्रैब हैंडल मिलते हैं आपको हीरो की ब्रांडिंग, और पीछे वाला सेक्शन कुछ ऐसा मिलता है, प्रॉपर मडगार्ड और टेल सेक्शन भी अट्रैक्टिव और शार्प मिलता है। साइड की बात करें तो साइड से भी बाइक अच्छी लगती है, और 100 cc की तो लगती ही नहीं है, ऐसा लगता है 125 cc की बाइक है। तो यहाँ पर डिज़ाइन आपको बहुत ही बड़ी बाइक वाला, जैसे कि 125 cc हो गए वैसा डिज़ाइन मिलता है इसके अंदर। और यहाँ पर स्टिकर्स भी अच्छे मिलते हैं फुल ब्लैक कलर में, और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी है हीरो पैशन प्लस। पहले यहाँ पर रेड कलर का स्टिकर आता था तो वो मेरे को उतना पसंद नहीं था, लेकिन अब फुल ब्लैक कलर में परफेक्ट लगती है अपनी हीरो पैशन प्लस। फ्रंट की बात करें तो बड़ा सा डोम मिलेगा, नीचे मडगार्ड मिलेगा, इसके नीचे अलॉय व्हील भी अच्छा मिलता है, और यहाँ पर जो लेग गार्ड है ये भी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, इसे लगा के देंगे आड़ा लेने के बाद। बाकी हॉर्न मिलता है आपको, यहाँ पर FI की ब्रांडिंग मिलती है। तो ओवरऑल डिज़ाइन को देखते हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन परफेक्ट मिलता है। एक बार 360 लुक देख लो इसका, साइलेंसर भी अच्छा लंबा है, और यहाँ से भी बाइक अच्छी लगती है। किक मिलता है आपको, i3S की ब्रांडिंग आती है, लंबी सी सीट आती है, और पीछे वाली प्रोफाइल कुछ ऐसी आती है। तो यहाँ पर 360 लुक और ओवरऑल डिज़ाइन को देखते हैं तो यहाँ पर इसको ख़रीदने का पहला पॉजिटिव पॉइंट बनता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। अब बात करेंगे दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि है इस बाइक का सीट कंफर्ट। यहाँ पर आपको कंफर्टेबल सीट मिलती है, राइडिंग पोजीशन भी कंफर्टेबल मिलती है, और 100 cc में अगर अपन स्प्लेंडर से या फिर 125 cc की शाइन से कंपेयर करते हैं तो इसका सीट कंफर्ट उन दोनों से ज़्यादा आता है। और यहाँ पर कुशनिंग अच्छी मिल जाती है, सीट भी अच्छी मिलती है, और जगह भी अच्छी मिलती है बैठने के लिए। राइडर हो या पिलियन कंफर्टेबल रहता है, और लेडीज़ फुटरेस्ट भी मिलता है इसके अंदर, तो लेडीज़ वन साइड बैठ सकती हैं इसके ऊपर, और फैमिली के लिए भी परफेक्ट रहती है हीरो पैशन प्लस। अगर आप कंफर्टेबल बाइक ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर यह बाइक का कंफर्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, और पैशन प्लस ख़रीदने का ये दूसरा पॉजिटिव पॉइंट बनता है जो कि है इसका सीट कंफर्ट। अब बात करेंगे तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि है इस बाइक की टैंक कैपेसिटी। यहाँ पर आपको 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है। अगर अपन शाइन 125 से कंपेयर करें तो यहाँ पर आधा लीटर टैंक कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी, और स्प्लेंडर से भी ज़्यादा टैंक कैपेसिटी आती है इसके अंदर, और दूसरे बाइक से भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर टैंक कैपेसिटी अच्छी मिलती है। यह 100 cc की बाइक है, उसके बावजूद आपको टैंक कैपेसिटी 125 cc वाले बाइक जैसी मिल रही है, और क्या चाहिए यार, यहाँ पर टैंक कैपेसिटी भी अच्छी है और इसका डिज़ाइन भी अच्छा है। तो यहाँ पर क्या है, पैशन प्लस खरीदने का ये तीसरा पॉजिटिव पॉइंट बनता है जो कि है इसकी बड़ी टैंक। अब बात करेंगे चौथे पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि है इस बाइक का इंजन। यहाँ पर कंपनी देती है 97.2 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve BS6 फेस टू कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 8.02 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 8.05 Nm का विद 4-speed गेयरबॉक्स। तो यहाँ पर आपको गेयरबॉक्स अच्छा मिलेगा, इंजन अच्छा मिलेगा, और साथ ही साथ पिकअप भी अच्छा मिलेगा। अगर आप 100 cc के बाइक से कंपेयर करते हैं तो इसका पिकअप आपको ज़्यादा पसंद आने वाला है, शाइन से तो कम ही है, लेकिन अगर आप स्प्लेंडर या फिर दूसरे 100 cc वाले बाइक HF Deluxe उससे कंपेयर करते हैं तो इसका पिकअप आपको ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पर अगर अपन माइलेज की बात करें तो इसका ये पांचवा पॉजिटिव पॉइंट बनेगा। चौथा पॉजिटिव पॉइंट तो इंजन रहा, पांचवा पॉजिटिव पॉइंट है इस बाइक का माइलेज। आपको लगभग ये 70 का माइलेज निकाल के देगी, जो कि शाइन 125 और TVS रेडियन और TVS स्पोर्ट, और अगर अपन CD 110 या फिर लीवो से कंपेयर करते हैं तो इसका माइलेज ज़्यादा आता है 70 KMPL का। तो यहाँ पर आपको माइलेज का ही फ़ायदा मिलेगा। और टैंक कैपेसिटी की मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा था, अगर आप टूरिंग करते हैं तो आपको 700 और 770 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है इसके टैंक कैपेसिटी से, जो कि 11 लीटर की है। तो यहाँ पर आपको माइलेज प्लस टैंक कैपेसिटी का कॉम्बिनेशन अच्छा मिलता है, साथ ही साथ सीट कम्फर्ट अच्छा मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं इस बाइक के अंदर, और पैशन प्लस ख़रीदने का पाँचवा पॉजिटिव पॉइंट बनता है इसका माइलेज, जो कि है 70 KMPL का। छठे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो वो है इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स यूज़ करती है, फाइबर क्वालिटी अच्छी है, फाइबर मटेरियल अच्छा है, फिट एंड फिनिश लेवल्स अच्छे हैं, गैप्स भी इवन हैं, देख सकते हैं आप, और यहाँ पर भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर गैप्स भी प्रॉपर हैं और फिट एंड फिनिश भी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी लेवल्स टॉप नॉच मिलती हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, जो कि इसको ख़रीदने का छठा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। अब बात कर लेते हैं सातवें पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि है इस बाइक की ब्रांडिंग। ये है हीरो की बाइक, तो आपको मेंटेनेंस बहुत ही कम मिलेगा, साथ ही साथ
आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर हीरो कंपनी से ज़्यादा सर्विस सेंटर किसी और टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर के नहीं हैं जितना हीरो ब्रांड के हैं, और ये इंडियन ब्रांड है तो आपको सर्विस अच्छी मिलती है। साथ ही साथ इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी आप चिंता मत करो, पार्ट्स आपको आराम से मिल जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ टूट गया, उसके बाद आपको पार्ट्स आसानी से मिल जाएंगे, कम प्राइस में भी मिलेंगे और अच्छे भी रहेंगे, ड्यूरेबल भी रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हीरो ब्रांड की बाइक रहने की वजह से आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी अच्छी मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, बाकी सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर पैशन प्लस खरीदने का ये सातवां पॉजिटिव पॉइंट बनता है, जो कि है हीरो मोटोकॉर्प। तो गाइज़ आज के वीडियो में मैंने आपको हीरो पैशन प्लस खरीदने के 7 पॉजिटिव पॉइंट बताए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से अगर आपको ज़्यादा पिकअप चाहिए तो आप शाइन 125 की तरफ जाओ, मेरे को इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगती है, मैं प्राइस को नेगेटिव पॉइंट मानता हूँ इस बाइक का। पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत सारे हैं लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो यहाँ पर प्राइस मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगी हीरो पैशन प्लस की, अगर अपन कंपटीशन से कंपेयर करते हैं तब, क्योंकि इसी प्राइस में आपको होंडा शाइन 125 मिल सकती है जो कि ज़्यादा पिकअप और ज़्यादा रिलायबिलिटी ऑफर करेगी आपको। तो गाइज़ आज के वीडियो में मैंने आपको हीरो पैशन प्लस खरीदने के 7 पॉजिटिव पॉइंट बताए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइज़।